चलिए वो एयरपोर्ट देखते हैं। वायु परिवहन सबसे महंगा, सबसे तेज परिवहन और सबसे सुरक्षित परिवहन माना जाता है। सबसे कम दुर्घटनाएं अगर किसी परिवहन की होती है तो वायु पर, लेकिन अगर दुर्घटना हो गया तो स्पीड इतना ज्यादा होता है कि चांसेस ना बराबर होता है। समझ में आ गई नहीं आ गया? चांसेस ना बराबर होता है। बाकी सब में है, जैसे पानी में डूबे तैरने आता है तो निकल जाइएगा, नहीं तैरने आता तो लाइफ जैकेट पहने रहिएगा, वो डूबने नहीं देगा। एगो देता है पहन लीजिए, उसमें हवा भरो लता नहीं देगा। ट्रेन और में है कि कितनों गिरेगा, जमीन में रहेंगे। लेकिन दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा सड़क पे होती हैं। प्रतिदिन देखिएगा एगो ट्रक गाड़ी इंतन जाते रहता है। तो वायु परिवहन सबसे तेज है और सबसे सुरक्षित है, सबसे महंगा है। सबसे महंगा इसलिए है कि ईंधन तो लगता है ज्यादा, लेकिन सीटें लिमिटेड हैं। ट्रेन सस्ता इसलिए हो जाता है कि ट्रेनवा में खर्चा जहाजिया से ज्यादा है, लेकिन एक के बार दो दो हजार आदमी लेकर निकल देती है। चल बबुआ तो नहीं सबसे पूरा किराया निकल, तो आ जहाज में तो ऐसा नहीं है। उसमें टिकट बिकेगा कुछ और चढ़ जाएगा कुछ। एक और गो ट्रेन है कि 16 आदमी तो बाथरूमा में घुसल लाता है जनरल बोगी में 16 चौक को 64 गो, चार गो बाथरूम होता है ना एक में, 64 गो हटा दिया। अब बार वाली क्या रहता है 74 बैठने के लिए। अरे जब बाथरूम में 64 गो घुसल है एकदम हालत खराब हो जाता है ट्रेन का। तो ट्रेन में ना प्रॉफिट उसमें देखिएगा तो बस ये ओवरलोड हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है प्रॉफिट हो जाता है। तो हम लोग हवाई अड्डा देखते हैं। सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी दिल्ली में, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में। तीन ठो रनवे है, तीनों ऑपरेशनल है। तीन रनवे, तीनों ऑपरेशनल, तीनों पैरेलल रनवे। पैरेलल रनवे से फायदा क्या होता है, जैसे मुंबई एयरपोर्ट जो है ना उसका रनवे ऐसे है, ऐसे रनवे। अगर एक ये रनवे है और एक ये रनवे, इस पे जहाज आएगी उतरेगी ना तो ये वाला वेट करेगा। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि मुंबई समुद्र के किनारे है, हवाओं का डायरेक्शन हमेशा बदलते रहता है। तो पता तो कभी हवा उठपटांग रहेगी, क्रॉस विंड, उतरना ऐसे ठेल देगी, इधर ढकेल देती है कभी कभी। तो इस पे ना उतार के कहता है कि भाई हवा ऐसे चल रहा है उठपटांग, जैसे हवा चलेगा ना, लेट सपोज कि इधर से हवा चल रहा है तो इस पे उतरने नहीं देता है, कहता मत उतर बाबू, ठेल देगा, इधर चल जाओगे, इधर उतरो, इधर तुम भी इधर से आओगे, हवा भी इधर आएगा, ठीक रहेगा यहाँ पे। तो भारत में अगर देखेंगे तो दिल्ली एयरपोर्ट सबसे बड़ा है। क्या हुआ जी, ले आपका तबीयत गड़बड़ा गया, जाने दीजिए, बाबू का तबीयत गड़बड़ा गया। तो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हाँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वहां पे ये समस्या नहीं है। हम अभी कपिल शर्मा शो से लौट रहे थे ना मुंबई, तो वहां पे एक रन एक ऐसे रनवे है, तो ये टर्मिनल होता है, यहाँ सब जहाजी आके सवारी भरती है। चलो हो बनारस दिल्ली मुंबई एक सवारी दिल्ली ऐसे नहीं भरता है मतलब लेके, और उसके बाद इसको ले जाके यहाँ रनवे पे लाइन अप करा देते हैं। जिसको जाना होता है ऐसे लाइन अप करता है, ऐसे लाइन अप करता है। हम लोग के जहाजिया लाइन अप कर रही थी, तले कोनो का रनवे पे इंजन खराब हो गया, इंजन खराब हो गया। एक घंटा तक हम लोग खड़ा थे, लोग चुपचाप जहाजिए में बैठल थे। हमें एगो दुकान एगो भूतहा म्यूजिक बजा देता है, टिंग 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 टिंग, जो म्यूजिक हम लोग सुन रहे हैं बुढ़ौती में। एक घंटा से परेशान थे, ओकरे पिछवा वाला एगो था वो हम वो और परेशान था। उसको कम में दूर जाना था, मुंबई से अहमदाबाद जाना था, तो पेट्रोलो कम में लिया था, मतलब फ्यूल भी कम में लिया था। ओकर एक घंटा में खड़े खड़े फ्यूल वा खत्म हो गया, वो जस्ट इसके पीछे था। ई गया ना इका ठीक हुआ, इसको हटाया गया, निकल निकल लिया, थोड़ा खराब हो गया। तो ई करे अब हम नहीं उड़ पाएंगे काहे क्योंकि इसको दिल्ली मुंबई से अहमदाबाद ही जाना था, तो फ्यूल कम लिया था। हम लोग को मुंबई से पटना आना था, तो पहले दबा के भर पेट खाया था उसने एकदम तो हम लोग वाला ठीक है ठाक था। उस ने फिर एगो फंस गया, ईगो वापस लाया, कहा कि हम ना उड़, तो एक डेढ़ घंटा लगा दिया। जबकि दिल्ली एयरपोर्ट पे ऐसा कभी नहीं होता है। दिल्ली एयरपोर्ट पे तीन तीन रनवे और तीनों पैरेलल है, रनवे 1 2
ऐसे तीन अलग अलग है। एयरपोर्ट इधर साइड में रहता है, एयरपोर्ट में जिधर आदमी रहता है अपना बैठिए, आपका बस में भर के ले जाएगा वहां बैठा देगा, तीनों में कोई दिक्कत नहीं। कुछ दिन पहले इसके रनवे पे एक तो इंजन में आग लग गया था, इंडिगो के इंजन में आग लग गया था। कोई बात नहीं, जो इसके लाइनअप तक आया वापस मुंबई इधर से जो भेज दिया दूसरी जगह से। तो पैरेलल रनवे का फायदा दिल्ली में कितना है, पटना में आधा तीन पाव है हमारे यहाँ। कम से कम कितना होना चाहिए, 9000 फीट का रनवे होना चाहिए, हमारे यहाँ 6800 है, हमारे यहाँ कितना है 6800। तो पटना एयरपोर्ट की दुर्दशा बहुत बुरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी, देखिए जो जो फेमस फेमस है ना पहले निपटाते चलते हैं। इंदिरा गांधी दिल्ली में, जयप्रकाश नारायण पटना, जयप्रकाश नारायण, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा कहां पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, गुरु रामदास अमृतसर, रामदास सरदार पटेल अहमदाबाद, गुजरात कौन बोलता है कदई, अहमदाबाद सरदार पटेल, छत्रपति शिवाजी सरदार पटेल, राजा भोज भोपाल कहां पे, भोपाल, और अहिल्याबाई होलकर इंदौर, अहिल्याबाई होलकर, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजा भोज, छत्रपति शिवाजी, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी, अमृतसर वाले का नाम क्या, रामदास, जॉली ग्रांट देहरादून, जॉली ग्रांट, चौधरी चरण सिंह लखनऊ, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री बनारस, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद रायपुर, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल, जयप्रकाश नारायण, बिरसा मुंडा, गोपीनाथ बारदोली गुवाहाटी, गोपीनाथ बारदोली, बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी, गोपीनाथ बारदोली गुवाहाटी कहां पे, गोपीनाथ बारदोली, बीजू पटनायक भुवनेश्वर, बीजू पटनायक, बीजू पटनायक, देखिए आपको नाम याद हो जाएगा, मिलता जुलता उस एरिया के ही फेमस के नाम पे होता है। जयप्रकाश नारायण हमारे यहाँ सबसे बड़े क्रांतिकारी थे। आज बिहार में जितने राजनीतिक देख रहे हैं ना, चाहे सुशील मोदी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, ये जितने बड़े जो इस एज के जितने एज ग्रुप के आप लीडर देख रहे हैं, चाहे रामविलास पासवान हो, मतलब वो तो अब नहीं रहे, चिराग पासवान उस एज के नहीं ना, उनके पिताजी, वो सब लोग जयप्रकाश नारायण के ही आंदोलन से जुड़े थे ना। जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश पूरा एकदम भयानक क्रांति हुई थी, इमरजेंसी का काल था वहां, इमरजेंसी का समय था, 1975 का दशक था इमरजेंसी का। आप लोग अपने पिताजी या दादाजी से पूछेंगे लोग, वो लोग इमरजेंसी के समय का बात बताएगा लोग। आगे बढ़े, आप नहीं थे उस समय अरे हम 75 के नहीं हैं 80। आगे बढ़े, बताइए ध्यान से, गुरु रामदास, इंदिरा गांधी, जॉली ग्रांट, लाल बहादुर शास्त्री, स्वामी विवेकानंद रायपुर, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह किसान थे, प्रधानमंत्री भी रहे हैं कि नहीं, हम लोग चौधरी चरण सिंह रहे हैं एक बार जब ये प्रधानमंत्री थे ना, चौधरी चरण सिंह में बहुत किसानों के लिए बहुत काम किए, किसान के लिए यहाँ पर, तो पहले किसानों पे बहुत ध्यान दिया गया था यहाँ पर, अब तो किसान लोगों को कोई नहीं पूछता है, जानते क्यों, उसका कोई जाते नहीं है,
किसान का कोई जात नहीं। यादव जी भी खेती करते हैं, पंडित जी भी खेती करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, जाति नहीं है। जाति रहता तो ये करो कोई ना कोई पक्ष लेने वाला आइए जाता, नहीं आ जाता। किसान का कोई जाति ना ही स्टूडेंट का है, आप लोग को भी कोई नहीं पूछता है। उसके रीजन आप लोग खुद हैं, आप लोग कहे तो पूछते हैं दूसरे को, आप लोग मत पूछिए। रैली में सबसे ज्यादा भीड़ आप ही लोग लगा देते हैं, समझ में गया। तो ये तो आपका आपका वो है, पावर है। पहले लाइन में खड़ा हो जाए लोग, 10,000 विद्यार्थी अपने बतिया बोलने लगे वैकेंसी टाइम से, जब वो कहे कि ऐसा सोच रहे वैकेंसी टाइम से, एक से देर कोई चिल्ला देगा आगे बढ़े। छत्रपति शिवाजी, इंदिरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, गुरु रामदास, जॉली ग्रांट, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, बिरसा मुंडा, सरदार पटेल, राजा भोज भोपाल, राजा भोज अहिल्याबाई होलकर इंदौर, स्वामी विवेकानंद रायपुर, गोपीनाथ बारदोली गुवाहाटी, बीजू पटनायक जॉली ग्रांड कैंपागोड़ा बैंगलोर, मणिबक्कम चेन्नई, राजीव गांधी हैदराबाद, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, बंदरगाह है, जेएनपीटी बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जानते हैं ये सब खुदरा खुदरा क्वेश्चन है, और आपको पूरे एग्जाम में 20 गो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा खुदरा खुदरी, जहां तहां से खुदरा पूछ देगा आपको। नवरोज त्योहार कौन मनाता है? पारसी। नवरोज त्योहार पारसी। यही खुदरा खुदरी आपको बाहर कर देता है, वनडे एग्जामिनेशन की सबसे बड़ा यही टर्निंग पॉइंट हो जाता है। क्या लगता है आपको कि जलिया वाला बाग हत्याकांड आप ही को याद है? असहयोग आप ही को याद है? असमताप मंडल में जहाज उड़ता आप ही पे जानते हैं, तो सब जानता है। इसीलिए हर एग्जाम में 40% आंसर सबको आता है, जो सब जानते हैं। यही सब है खुदरा खुदरी जो नहीं जानते। जगमोहन, कैंपागोड़ा कहाँ है? बेंगलोर। कैंपागोड़ा अरे बेंगलोर एयरपोर्ट का मौसम अचानक गड़बड़ा जाता है। अभी कुछ दिन पहले को जहाज उतार दिया, उसको धुंधला दिख रहा था, रनवे से बाएं उतार दिया, एक चक्का रनवे पे एक घास में उतर गया और इंजन भड़क गया उसका, एक इंजन पे लेकर उड़ गया हैदराबाद। उड़ के यहां से कहां गया? हैदराबाद। एक के इंजन पे बताए, दूसर को इंजन को कहीं खांसी उसी उपट जाता, निपटा देता, बड़ी दिक्कत हो जाता है। मौसम बड़ी तेज बिगड़ता है यहां पर, होता है कभी कभी, अब भेज देता है ना और दिक्कत होता है। एक बार एक आदमी को बहुत इमरजेंसी से पटना से दिल्ली से आना था, पटना जैसे उतरने वाला था 10 मिनट पहले पटना एयरपोर्ट इतना घना कोहरा छा गया कि उसको भेज दिया भोपाल। उसको कहां भेज दिया? भोपाल। अब भोपाल के बाद फिर उनको वापस लाया 4-5 घंटा बाद लेके आया। उनका कह रहे थे कि ऐसे चलो ट्रेन में थी, कोहरा के समय दिक्कत होता है थोड़ा बहुत कोहरा में। अब कोहरा में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है फ्लाइट को सुबह, मतलब दोपहर में 1 बजे से पहले, क्योंकि 10 बजे सुबह में बहुत कोहरा रहता है, 1 बजता है ना तो कोहरा खत्म होता है 1 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक, और उसके बाद फिर वही हो जाता है। करण सर आ रहे थे, दिल्ली जा रहे थे करण सर, तो उनका ना ठंडी के दिन में तो को मौसम सही नहीं था, दिल्ली से भेज दिया जयपुर। अब उनका पायलट बता रहा था कि मौसम खराब दिल्ली एयरपोर्ट पर, इसलिए हमें जयपुर डाइवर्ट किया जा रहा है। तो पहले तो वो सोचा कि दिल्ली में घूमते हैं 10-15 मिनट ऐसे ऐसे मौसम सही होता है, तले उसका फ्यूल इंडिकेटर बता रहा था देर ना घूम बाबू तेल कम है इसमें, कहीं ना कहीं उतार दो।
तो पायलट सोचा कि लोगों को बता दे कि फ्यूल कम होने की वजह से हम ज्यादा देर तक नहीं रुक उड़ सकते हैं, इसलिए हम जयपुर लैंड कर रहे हैं। करण सर कह रहे थे इतना देर में हम कई गो पाठ खत्म कर दिए थे भगवान लोग को याद कर करके। होता है कभी कभी एयरपोर्ट पे बहुत, हालांकि सबसे सेफ मॉडल है यार। और जहाज में ना कभी भी दिक्कत हुआ है ना तो उतरने के टाइम हुआ है, जब भी दिक्कत होता है उतरने के टाइम, और नहीं तो उड़ने के टाइम। बिचवा में ना समताप मंडल में उसको कोई दिक्कत ही नहीं होता है, वहां कोई नहीं रहता है, ना हवा पानी बादल गर्जा कुछ नहीं रहता है। आप मणिबक्कम कहां है बहू? राजीव गांधी, राजीव गांधी, विवेकानंद, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, मणिबक्कम, मणिबक्कम, कल्पक्कम, मणिबक्कम चेन्नई, और कल्पक्कम परमाणु बिजली घर चेन्नई, मणिबक्कम एयरपोर्ट चेन्नई, और कल्पक्कम परमाणु घर चेन्नई। अरे मिलता जुलता नाम एक ही है, कैंपा गोड़ा, राजीव गांधी, रामदास, जोली ग्रांट, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, बिरसा मुंडा, गोपीनाथ बारदोली, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय देवी अहिल्या बाई, स्वामी विवेकानंद, गोपीनाथ बारदोली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीजू पटनायक, कैंपा गोड़ा, राजीव गांधी, बिरसा मुंडा, अब यहां देखते हम लोग अंडमान निकोबार में पोर्ट बोले वीर सावरकर एयरपोर्ट पोर्ट बोले वीर सावरकर, वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर के जेल पे वीर सावरकर ने कोयला से इतिहास लिख दिया था स्वतंत्रता का। भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट, भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट ना, भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट, सर भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़, भगत सिंह एयरपोर्ट, भगत सिंह, वीर सावरकर, वीर सावरकर, भगत सिंह, वीर सावरकर, भगत सिंह, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा याद है, गया वाले का नाम है गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर का नाम जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, समझ में? गया के हैं, गया पढ़िए, गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा, दरभंगा एयरपोर्ट, देवघर वाले का नाम देवघर एयरपोर्ट, देवघर वाले का नाम देवघर हवाई अड्डा, पाकियोंग एयरपोर्ट सिक्किम में गंगटोक में, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम नहीं बोले है ना उसके आगे बस इंटरनेशनल लगा दीजिएगा, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा एयरपोर्ट। हाँ सबसे बड़ा है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, तीन रनवे के साथ, अभी चौथा बन रहा है उस पर, 5 करोड़ की 6 करोड़ पैसेंजर इस बार आए थे सर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे। नोएडा वाला तो अभी बनने में बहुत टाइम लगा है, जेवर एयरपोर्ट ना उसका पूरा पैकेज बनते बनते 2050 आएगा, फर्स्ट फेज चालू होगा 2025 मतलब 26 तक, तीनों उसके चारों टर्मिनल को चालू होते होते 2050 तक आ जाएगा। धीरे धीरे ना भरना होता है, पहले एक बनाए उस पर लोग भरे, तब दूसरा बनाए, तब तीसरा बनाए, ऐसे ही डायरेक्ट बना देंगे तो वहां लोग नहीं ना जाते हैं, धीरे धीरे जैसे जहां एयरपोर्ट रहता है ना सारे लोग वहां हैबिचुअल होते हैं, सारे ऑटो वाले को रास्ता पता रहता है, वहां दिल्ली में बोले T1 T2 T3 एकदम एक ही। अब आप सोचिएगा हम T1 पे से T3 पे चल जाए, जान ले लेगा आपका, 3-4 किलोमीटर घुमा के आना पड़ता है, घूम के आना पड़ता है T1 T2 में। तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि वहां पे उसी हिसाब से लोग बस जाते हैं,
जैसे जहां एयरपोर्ट रहेगा वहीं पे एरिया में जो एयरलाइंस वाले रहेंगे अपना होटल ले लेते हैं, उसी होटल में उनके एयर होस्टेस पायलट आराम करते हैं, किसी दूसरे फ्लोर पे खाना वाना बनते रहता है। एयरपोर्ट लगती तुरंत खाना क्या होता है, रेडी हो जाता है, भर भर खाना खाएगा सब। उसमें जहाज में खाना बहुत एक से एक मिलता है बिजनेस क्लास में। अरे बिजनेस क्लास में ना आपको लोअर टी शर्ट देता है पहनने के लिए, एगो चप्पल मखमल का पहन लीजिए, इसी में सावर वगैरह देता है कि जाके नहा लीजिए उसमें। हाँ सैंडविच कम से कम बिजनेस क्लास अगर आप एमिरेट्स वगैरह का लेंगे ना, सब चीज खाने को देगा, कम से कम 20 किस्म का फल देगा। हाँ टिकट प्राइस न्यूयॉर्क का मान के चलिए यहां से 4 लाख के आसपास। मन ठंडा क्या? यही ठीक है। टिकट प्राइस बहुत तेजी से बढ़ते घटते रहता है। पटना से दिल्ली का फ्लाइट 5000 एवरेज है। एक बार हम दिल्ली में थे, किसी इमरजेंसी काम के लिए आना पड़ा था, एयरपोर्ट पे से टिकट लिए थे, 27000 का एक पड़ा था एक ठो, एक साथ में जो अटेंडेंट रहता है उसका अलग, अकेले ना जाए आदमी, ज्यादा भाग दौड़ करना रहता है तो उसका फेयर अचानक बढ़ते रहता है। देवघर एयरपोर्ट का नाम देवघर ही है झारखंड में, पाक्योंग एयरपोर्ट गंगटोक में है, पाक्योंग बागडोगरा सिलीगुड़ी, बागडोगरा सिलीगुड़ी, पाक्योंग बागडोगरा, इंदिरा गांधी मणिबक्कम कल्पक्कम कैंपागोड़ा सरदार पटेल छत्रपति शिवाजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस सरदार पटेल भगत सिंह एयरपोर्ट भीमराव अंबेडकर स्वामी विवेकानंद गुरु रामदास देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम भी इंदौर में ही है, राजा भोज इंटरनेशनल। बेरिया में ये किधर है? बैरिया बस स्टैंड है वो, तुमको हवाई अड्डा। मीठापुर बस स्टैंड कुटा के बैरिया ले गया है। पटना का बस स्टैंड इतना ना दूर दिया है ना कि फिर वहां से पटना में आने के लिए फिर उतर के यहां आने के लिए क्या लगता है, पैसा लगता है। पूर्णिया में तो हवाई पट्टी है ऐसे, वहां पे अंग्रेजों के समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय बनाया गया। आगे बढ़े सर, जयपुर आइए कभी घूमने, आते हैं बाबू जयपुर में, हम किताब उताब जयपुर में छपता है। हाँ गोरखपुर में भी है, गोरखपुर एयरपोर्ट एयरफोर्स का है गोरखपुर एयरपोर्ट। अरे गोरखपुर में कुशीनगर कहाँ भेज दिया? हाँ कुशीनगर, गोरखपुर एयरपोर्ट मिलिट्री का है, किसका है? एयरफोर्स। तो एयरपोर्ट जाजिया उतार देता है, कहता है लेके भाग जल्दी उधर भाग, उधर स्टैंड पे लगा, उधर 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 ले जाओ, और कोना में भगा देता है, भाग वहां से। अब बाकी एयरफोर्स वाला देखते रहते हैं, कोई फोटो ना खींचे, हमें अनाउंस करता है ये मिलिट्री एयरपोर्ट है, कोई फोटो खींचना अलाउ नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? एयरफोर्स का है, जगुआर जहाज खड़ी रहती है, रनवे पे उड़िएगा ना बाई साइड में जगुआर खड़ी रहती है जहाज एयरफोर्स में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एयरफोर्स का है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? दिल्ली है। आगे बढ़े, गोरखपुर वाले का नाम गोरखपुर एयरपोर्ट है। समझ में आ गया? वाराणसी वाले का नाम बाबतपुर, नहीं रेगा था, जगैया का नाम है बाबतपुर। एयरपोर्ट का नाम क्या है? लाल बहादुर भगत सिंह एयरपोर्ट,
बिरसा मुंडा, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, मणिबक्कम, सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, कितने रन में? हाँ तीन, चौथा बन रहा। टर्मिनल वन पे लगभग 8 को गेट है, 2 पे 45 गो है, 3 पे 65 गो है, समझ में? अभी बन रहा है, उसमें बड़ी ज्यादा बनेगा। टर्मिनल वन को बढ़ा के 8 से इस पे 40 को गेट बनाएगा। अभी एक साथ इस पे कितनी जहाजें खड़ी हो सकती हैं जोड़ लीजिए, 65 को टर्मिनल 3 पे, अब 45 को यहां, 8 को यहां, इतनी जहाजें टर्मिनल बिल्डिंग में खड़ी हो सकती है। एक टाइम पे 200 जहाज हैंडल कर लेता है दिल्ली एयरपोर्ट, एको दुनिया है वो दिल्ली एयरपोर्ट, वहां पे ये टर्मिनल बिल्डिंग पे खड़ा कर लेता है। बाकी रैंप पे अलग खड़े रहते हैं, एप्रेन वगैरह पे अलग खड़े रहते हैं। पटना पे 5 को, पटना में 5 को जहाज खड़ी हो जाती है, छठवा रहेगा तो घूमेगा ऊपर, एको को खाली करा के भेज देगा, तब निकल निकल जो ना सवारी भर गया, निकल 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 बनारस वाला, निकलो निकलो धाम दे, उसको उड़ा देगा, एको खाली करेगा तब उतारेगा उसको पटना एयरपोर्ट को। आगे बढ़ जाते हैं, एयरपोर्ट याद हो गया, कहीं से पूछेंगे बताएंगे, चलिए बताइए आप, बागडोगरा, बागडोगरा सिलीगुड़ी, वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अहिल्या बाई होलकर, जॉली ग्रांड, जयप्रकाश नारायण, त्रिभुवन एयरपोर्ट नेपाल, त्रिभुवन एयरपोर्ट काठमांडू में है, त्रिभुवन भी याद रखिएगा, पटना से एको त्रिभुवने जाता है, पटना से फ्लाइट कहाँ जाता है? नेपाल, नेपाल जाता है। हालांकि गया एयरपोर्ट का नाम गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो टूरिस्ट के ही लिए प्रयोग होता है, जैसे हज यात्रा, हज के लिए जो जाते हैं बिहार से लोग, उनको कहाँ भेज देता है? गया, क्योंकि हज यात्रियों के पास सामान वगैरह ज्यादा होते हैं, क्योंकि हज एक अनुष्ठान है, उसमें क्या एहराम लेना है, क्या लेना है क्या नहीं, एक बड़ा लंबा प्रोग्राम होता है हज यात्रा के लिए, तो उनका सामान अलग होता है। दूसरा वो धार्मिक चीजें हैं, और सब लोग एक ही जगह जा रहे हैं, तो उससे अच्छा उन लोग को उठा के कहाँ भेज देता है? गया, जाइए वहां से, सब लोग गया से एक ही बार कहाँ के लिए? हज के लिए, नहीं तो पटना से भी भेज देता है, लेकिन एक जगह अलग से कर देता है, तो क्या रहता है? सहूलियत। अब जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है, टर्मिनल 3 पे 65 को गेट है, कह देगा 1 से 10 वाला हज यात्री के लिए, तो हज यात्रा में हजारों लोग जाते हैं, और फिक्स होता है इसी दिन जाएंगे लोग, मतलब एक स्लॉट होता है, जैसे देवघर में कैसे जाते हैं लोग कि सावन में ही जाते हैं लोग, फिक्स होता है, वैसे हज भी फिक्स होता है, बकरीद से पहले, बकरीद का हज जो होता है बकरीद के समय 10 जिलहिज्जा, आप में मुस्लिम लोग हैं लोग, तो जिलहिज्जा ही तो बोला जाता है बकरीद के महीने को, 10 जिलहिज्जा को बकरीद का मतलब वो हज को क्या कहते हैं, कंप्लीट हो जाता है वहां पे। अब एक बार हम बता रहे थे इसे हज वज के बारे में, तो हम तो नॉर्मली ना बता रहे थे, तो एक आदमी पकड़ लिए, क्या जानते हैं आप हज के बारे में ऐसे बता रहे हैं, क्या बताएं यार हम तुमको, यहाँ हम तो नॉर्मल चीज बता रहे थे। तो उसके लिए क्या होता है ना कि एक अलग बना देता, गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसी खास चीज के लिए भेज दिया जाता है, जैसे बौद्ध लोग आते हैं तो गया सर्किट पे आ सकते हैं, हम लोग क्या बहुत बड़ा एयरपोर्ट की संभावना हो सकती है, कहां पर? सीतामढ़ी, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बिना हनुमान जी के दर्शन किए राम जी का दर्शन करिएगा नहीं, तो बिना सीता जी के दर्शन किए राम जी का कैसे कर रहे हैं? नहीं समझे, पहले राम जी का दर्शन कीजिए, फिर सीता जी, पहले सीता जी का दर्शन, फिर राम जी से पहले हनुमानगढ़ी में जाइए हनुमान जी का दर्शन कीजिए, और तब जाइए राम जी का, सीता राम, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सीता, तो हम सीतामढ़ी के कितने हैं लोग इसमें? अरे आप लोग मांग करिए भाई सीतामढ़ी एयरपोर्ट का, नहीं जी एयरपोर्ट सबको याद हो गया।